हेलो दोस्तों, तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर हम दो अपने पास फिलामेंट के बल्ब हैं जिन्हें हम सीरीज में और पैरेलल में लगा के देखेंगे कि उनका जो रिस्पांस है वो कैसा है, मतलब कि वो कितना ग्लो कर रहा है और कितने रेटिंग का है, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रेटिंग बता दूं। ये जो बल्ब है इसकी जो रेटिंग है ये 60 वाट का बल्ब है और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो 220 वोल्टेज है और 240, यानी इन्होंने जो एक्चुअल दे रखा है वो 240 दे रखा है, लेकिन ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 240 पे भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में वोल्टेज रेगुलेशन होता रहता है, तो 220, 230, 240 सभी के ऊपर अलग अलग स्पेसिफिकेशन दी जाती है। और इसके ऊपर जो लिख रखा है ये जो बल्ब है इसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं दे रखा है। इस बल्ब के ऊपर जो हमारे पास फिलामेंट लैंप है इसके ऊपर भी कोई ब्रांड तो मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा है, सुपर मैक्स लिख रखा है, लेकिन मेड इन इंडिया लिख रखा है और 100 वाट लिख रखा है और 250 वोल्टेज लिख रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ सेम बल्ब लेता हूँ जिससे कि हमें एक एक्चुअल रीजन पता चले कि किसका लाइट ज्यादा ग्लो है। अगर मैं मतलब डिफरेंस ले लूंगा तो हमें एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है। मैंने क्या किया, मैं एक और सेम लैंप ले आया जिससे कि मैं कंपेयर कर सकूं दोनों को कि कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो सेम ये और ये लैंप सेम है। मैं इस बल्ब को लैंप को साइड कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने इस लैंप को लिया, अब मैं क्या करूंगा, इस लैंप को सीधा मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसपे 220 वोल्ट का सप्लाई है, मेरे पास मीटर भी है, मैं आपको इस मीटर से चेक कराऊंगा। अब मीटर से चेक करने के लिए अगर आपके पास क्लैंप मीटर है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इस मीटर को 750 और ये डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन दे रखी है ये एक साइन वेव की तरह है, आप ये देखिए जो डायरेक्शन है साइन वेव की तरह, तो आपको इस पे सेट करना है। उसके बाद इसे रख के इनके टर्मिनल पे ध्यान देना है, जो टर्मिनल है एक कॉमन है और एक वोल्टेज पे, तो आपको दो टर्मिनल मिल जाएंगे। थोड़ा चीजों का ध्यान रखना, वोल्टेज की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनना, ध्यान से थोड़ा टेस्टिंग करना। आपको क्या करना है उस सब मीटर को देखना, उसके बाद इसमें डाल देना है। मुझे जो वोल्टेज दिख रहा है, मुझे स्विच ऑन कर रखा है मैंने, मुझे लगता है कि जो इसका टर्मिनल है वो टच नहीं कर पा रहा है, तो मैं बल्ब को सीधा चला के चेक कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है कि लैंप लेना है, ठीक है, मीटर थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं, लैंप लेना और इसमें डाल के देख लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो ग्लो कर रहा हो कितना लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी चीज को सीरीज में लगा के चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो रिस्पांस है, जो आउटपुट का मतलब जो आउटपुट दे रहा है वो कैसे दे रहा है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए आप इन कलर कोडिंग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एसी में कलर कोडिंग मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जो सीक्वेंस अच्छा लगे आप उस सीक्वेंस को मतलब एज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, फास्ट एंड रूल नहीं है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि दो लैंप को आपस में सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो मैंने एक लैंप का वायर दूसरे लैंप के साथ जोड़ दिया और इन दोनों लैंप का आपके सामने रख दिया। अब मैंने एक इसमें डाल दिया और दूसरा इसमें डाल दिया, तो इसे सीरीज कहते हैं। ठीक है, और मैंने इसे डाल दिया, मेरा लाइट ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई एक लैंप खराब है। तो मैं इसे पहले चेक करता हूँ कि कौन सा लैंप खराब है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। काम तो ये भी कर रहा है, फिर एक बार मैं फिर टेस्ट करता हूँ, हो सकता है कि हाँ। देखिए, अब देखिए जैसे मैंने सीरीज में लगाया इनकी जो लाइट की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। मैं आपको एक बार सारी लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि लाइट की कैपेसिटी कम हो गई है। अब आप देख सकते हो, अब मैं सिंगल लगा के दिखाता हूँ आपको, एक सिंगल लगा के दिखाता हूँ। सिंगल में देखिए, सिंगल में क्या हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा इलेक्ट्रिक की बात है तो रिस्क नहीं ले सकते हम। मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करा के दिखाऊंगा, ये देखिए कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब मैं इसे सीरीज में लगाता हूँ, ठीक है। सीरीज जब दो लैंप का करंट सेम हो तो उसे सीरीज कहते हैं। अब सेम कब होता है वो मैं आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखा दूंगा। ये देखिए, पहले की लाइट ग्लो की पावर देखिए और अब की ग्लो की पावर देखिए। अब क्या करता हूं मैं, इनके बीच का वोल्टेज चेक कर लेता हूं कि इनके बीच में कितना वोल्टेज है। मुझे क्या करना है, मुझे देखिए, मुझे इनके बीच का वोल्टेज चेक करना है, तो मैं यहाँ पे दो कट मार लेता हूँ, ठीक है। इनके बीच का वोल्टेज चेक करना है तो मैं यहाँ पे दो कट मार लेता हूँ। एक कट तो मेरा थोड़ा ध्यान से मारना है कि पता चले वायर कट जाए, ऐसा भी नहीं मारना है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे वायर को नहीं काटना है, मेरे पास अभी कोई लाइटर वाइटर नहीं है, तो मैंने इस वायर को काट लिया और यहाँ पे इतना है कि मैं इस वायर को जोड़ सकता हूँ। तो
ठीक है, वैसे ही मैं इस दूसरे वाले वायर को भी काट लेता हूँ यहाँ पे कहीं, क्योंकि उसके अंदर हमारा टर्मिनल टच नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मुझे इस वोल्ट मीटर को बाहर लगाना पड़ेगा। अगर सीधा टच हो जाता तो बात ही अलग थी। इसे भी मैंने इसके इंसुलेशन को रिमूव कर लिया। मुझे क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में लगा देना, मैंने सीरीज में लगा रखा है। ध्यान ही इस बात का दीजिएगा कि कोई भी कंडक्टर आपके हाथ में सीधा कनेक्ट ना हो, वरना क्या होगा कि आपको करंट लग सकता है और ये थोड़ा रिस्की है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो इस बोर्ड के अंदर थोड़ा दिक्कत है और इसके वायर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये देखिए, ये बल्ब तो बिल्कुल ही ग्लो नहीं कर रहा है। देखते हैं क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। ये एक बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। पहले तो एक बल्ब ग्लो कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है। नाउ हम चेंज करके देखते हैं। देखिए अभी हमारे दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। मेरे पास ये एक मीटर है, मैंने मीटर को ऑन कर रखा है, ठीक है। मीटर भी आपको दिख रहा होगा, मेरे पास दो टर्मिनल है इसके, मैंने वोल्टेज पे सेट कर रखा। अगर ये आपने गलत सेट किया तो आपका मीटर खराब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना, सबसे पहले एक टर्मिनल के बीच में मैं वोल्टेज चेक करूंगा, यानी एक वोल्टेज के अक्रॉस में इसे लगाऊंगा। मैंने एक ब्लैक लगाया, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा यहां लगाया। आपको वोल्ट मीटर, आपको मल्टीमीटर पे फोकस करना है कि कितना वोल्टेज दे रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये 125 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, 125 वोल्ट। ध्यान से देखिए, 125 वोल्ट दिखा रही है और इसकी यूनिट वोल्ट में है। अब दूसरे के अक्रॉस चेक करते हैं कि दूसरे के अक्रॉस कितना दिखा रहा है। तो दूसरे के अक्रॉस दिखा रही है, दूसरे का अक्रॉस 123 वोल्ट, यानी दोनों में 125 वोल्ट शो कर रही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है क्योंकि जो मीटर इतना एक्यूरेट नहीं है। अब मैं इन दोनों के बीच में चेक कर लेता हूं, इन दोनों के बीच में कितना शो कर रहा है, यानी हमारे पास जो इनपुट है वो कितना आ रहा है। इनपुट हमारे पास आ रहा है 252, ठीक है। और मैं इस एक मिनट, आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप इनकी रीडिंग को भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो 252 आ रहा है। तो मीटर इतना एक्यूरेट नहीं होता, कुछ वोल्ट ऊपर नीचे वेरिएशन चलती हैं। तो हमारे पास इनपुट में कितना आ रहा है, 252 दिखा रहा है। और फिर अगर मैं सिंगल लैम्प का चेक करूं तो वो 126 दिखा रहा है। और दूसरे लैम्प का चेक करूं तो कितना दिखा रहा है, दूसरे लैम्प का 123, यानी तीन का डिफरेंस है, 126 और 123। कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि वो अगर उन्होंने सेम बनाया तो बिल्कुल सेम ही हो। तो कुछ तो कहते नहीं है कि सब कुछ सेम नहीं हो सकता। अब मैंने क्या किया, दूसरा यानी ये जो लैम्प है ना, वो सेम उनका जो वैल्यू था सेम था इनपुट आउटपुट वोल्टेज का। मैंने दूसरा एक लैम्प लिया, अब दूसरे लैम्प को लगा के देखता अब क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए ये कम ग्लो कर रहा है, ये ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपके सामने है रिजल्ट, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन होगा, कुछ तो फर्क होगा। अब मैं पहले इनपुट तो हमें पता है कितना, फिर भी इनपुट एक बार चेक कर लेते हैं। इनपुट अभी भी वही आ रहा है, इनपुट एक मिनट, इनपुट को भी थोड़ा हम रुकित चेक करते हैं। इनपुट 152 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। आप इसे होल्ड करके भी चेक कर सकते हो, आप इसे होल्ड करके चेक कर सकते हो वीडियो को कि कितना ये इनपुट दिखा रहा है। तो पहले मैं इनपुट देखूं, इनपुट कितना दिखा रहा है अपना, 252 अप्रोक्सीमेट समथिंग है। और हम एक का चेक करते हैं, एक का कितना दिखा रहा है, ये 1 का दिखा रहा है 162। ध्यान इसकी रीडिंग नोट कीजिए, 162 दिखा रहा है। और दूसरे का चेक करते हैं, दूसरे कितना दिखा रहा है, तो दूसरे का दिखा रही है 87। यानी एक वोल्टेज इसकी, इस वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 162, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है, उस वोल्टेज को भी देखते हैं, वो है 86। तो 162 प्लस 86 कितना होता है, आप कैलकुलेट कीजिए। यानी अगर आपका वोल्टेज जो आपका लैंप है वो वैल्यू चेंज, उसकी वैल्यू, उसकी रीडिंग चेंज हो रही है, तो आपका जो लाइट, जो उसकी पावर होती है, जो उसकी डेंसिटी होती है, जो वो ग्लो होता है, वो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने पहले आपको सेम लेके दिखाया था, सेम से क्या हो रही थी, दोनों की लाइट सेम थी, लेकिन जैसे मैंने उस लैंप की वैल्यू को चेंज किया, वैसे हमारी जो रोशनी है वो भी क्या हो गई, कम ज्यादा हो गई। तो आपने देखा कि
इन दोनों को मिला के आपके पास जो वोल्टेज आना चाहिए था वो अप्रोक्सीमेट 252 समथिंग आना चाहिए था। तो ये जो मीटर इसमें की इसके अंदर भी कुछ एरर होता है, तो उस एरर को अगर हम हटा दें तो मतलब अप्रोक्सीमेट हमें इतना मिलना ही चाहिए था। तो आप ऐसे ही और भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कौन सा ब्लो, मतलब इसमें आप करंट और वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हो। आपके पास पता है, आपके पास ये जो वोल्टेज, जो आपके पास ये लैंप है इसके ऊपर रीडिंग दे रखी है टू, मैं आपको ये लैंप दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो रीडिंग दे रखी है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट है एंड 100 वाट यानी 100 वाट का बल्ब है, और जो ये बल्ब है ये 60 वाट का है। आप इस बल्ब पे ध्यान दीजिए, बल्ब 60 वाट का, और जो ये बल्ब है ये अपने पास 100 वाट का है। तो जब 60 वाट का और जब 100 वाट का बल्ब लगा रहे हो तो आपके पास 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, और जब 60 वाट का बल्ब कम ग्लो कर रहा है। जब दोनों 100 वाट के लैंप है आपके पास, तो क्या हो रहे हैं, जो लाइट है वो सीधी सीधी इक्वल आ रही है, तो इसका फर्क पड़ता है। तो आप इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हो, थ्योरिकल भी आप समझ सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये कई युग की किताबों में दिया रहता है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, क्यों ग्लो करता है, उसका रीजन सबको पता होता है कि ये वोल्टेज ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन आज हमने उसी चीज को देखा कि कैसे ग्लो करता है, ये मीटर से भी हमने चीजों को मेजर किया। तो आप इसकी रीडिंग लिख सकते हो कॉपी में, आप इसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई कोई भी लगे कि कोई कंफ्यूजिंग हो रिलेटेड टू दिस, या आपको केवीएल केसी लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो सर्किट में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और सीरीज का मतलब क्या होता है, जब मैं आपको एक बार सीरीज का मतलब बता दूं, क्योंकि कईयों को बहुत डाउट होता है सीरीज का मतलब क्या। देखिए सीरीज का मतलब क्या है कि एक लैंप के साथ एक लैंप का एक वायर, एक लैंप के दो वायर होते हैं, एक लैंप का एक वायर हमने दूसरे लैंप के दूसरे वायर के साथ जोड़ दिया और दो में से हमें दोनों वायर मिल गया, तो इसे सीरीज कहते हैं, और पैरेलल का मतलब क्या है, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसका भी रेड इसके साथ, इसका ब्लैक भी इसके साथ, जैसे मान लीजिए कि इसका रेड इसके साथ जुड़ गया और इसका ब्लैक इसके साथ जुड़ गया, तो इसे पैरेलल कहते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल बहुत ज्यादा आसान होता है, अगर आपने कभी किताबों में देखा हो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो सीरीज पैरेलल क्या होता है। इसका रेड इसके रेड के साथ, इसका ब्लैक इसके ब्लैक के साथ जब जुड़ जाते हो इसे पैरेलल कहते हैं, और जो पहले कनेक्शन कर रखा था वो सीरीज में कर रखा था। अगर मैं पैरेलल में दोनों लाइट को जलाऊं ना तो दोनों की रोशनी सेम होगी, बिकॉज जो वोल्टेज होगा दोनों के अक्रॉस वो सेम होगा। तो मैं आपको ये भी एक बार फील करा दूं कि वोल्टेज लाइट ग्लो करेगा वो सेम करेगा या नहीं, तो थोड़ा मुझे एक बार समय दें। ये देखिए, ठीक है, एक को मैंने चालू कर दिया, अब दूसरे को चालू करने जा रहा हूं। थोड़ा मैंने वायर को काट रखा है तो उसलिए थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक मिनट मैं इसको सही कर दूं। तो मैं आपको पैरेलल में भी लगा के दिखाऊंगा, एक मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि इसका जो वायर है वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये जो वायर है ना ये पतली है की, तो जैसा कि मैंने क्या किया, इन दोनों वायर को ना पैरेलल में जोड़ दिया, ब्लैक ब्लैक के साथ, रेड रेड के साथ। अब हम इसे सप्लाई देके देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। पहले हमने सीरीज में चेक किया, हम चेक करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई है शायद, ये देखो ये ऑल्डर में थोड़ा कुछ दिक्कत है, कुछ लूज पॉइंट है। तो आप देखोगे, मैं पहले बल्ब को, ये बल्ब हमारा सेम है, ये बल्ब हमारा 60 वाट का, तो मैं पहले से चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि हम बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कपड़ों का यूज कर लेता हूँ। ये फिलामेंट के बल्ब है तो हीट जनरेट करते हैं, गर्म होते हैं। मैंने क्या करना है कि सेम वॉट का बल्ब ले लिया मैंने, और सेम वॉट का बल्ब मैंने इसमें लगा लिया। तो अब मैंने इनपुट देना है, एक बार मैंने इनपुट देना है, तो थोड़ा डेंजर तो है लेकिन क्या करे, करना तो पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो ये जो फॉल्ट आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑल्डर के अंदर से वायर टूट गया था, तो मैंने उस वायर को जोड़ दिया, मैंने इसे पहले में कनेक्ट कर दिया, मैंने इसे चालू कर दिया। तो देखो ये दोनों जो ग्लो कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं, मतलब इनकी जो
जो रेटिंग है, आई मीन मैंने एक तो सेम वैल्यू के लैंप लिए हैं और जो आप इनकी पावर जो देख रहे हो बिल्कुल सेम, और ये पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। जब सीरीज में कनेक्ट था तो इनकी जो पावर थी वो कम थी, बिकॉज जो वोल्टेज की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपस में केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ को रिलेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको इसका रेटिंग बता दिया है, जो इसका जो लैंप है, इसका जो लैंप है 250 वोल्ट पे 100 वाट की जो इसमें रेटिंग दे रखी है। तो इससे आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, करंट कैलकुलेट कर सकते हो और सारे जो मैथ के डेरिवेशन है, जो रूल्स है, फॉर्मूलास है, उनको ड्राइव करके चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना एंड मेरे चैनल पे बने रहना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि अब मैं इनसे रिलेटिव कई सारे वीडियो डालूंगा जो आपके बहुत से काम आएंगे, जो आपको कुछ कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।